नमस्कार, आभार अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। मैं पहुंचा मुजफ्फरनगर। आइए जानते हैं कि भीम आर्मी और उसके आंदोलन, उनके धरना प्रदर्शन। अच्छा जी, आज जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी है, किस बाबत है आपकी? आज का धरना प्रदर्शन इसलिए है, एक राजस्थान के गाँव के अंदर हमारे दो साथी जुनेद और नासिर, वे 14 की 14 पूर्वी रात को वहां से मैंने घर शादी के लिए निकले, वहां से कुछ अज्ञात लोगों ने उन लोगों को उठाया और गौ कसी के नाम पर उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस देश के अंदर भारतीय संविधान भी है, भारतीय संविधान की तार तार धज्जा उड़ा दी बजरंग दल वालों ने। बेगुनाह व्यक्ति को, जो हमारे जुनेद और नासिर भाई थे, उन्हें तो पूरी तरह पहले मारा पीटा और पीट के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गाड़ी के। आपके प्रदर्शन कब तक चलेगा इसके मामले में? देखिए, ये प्रदर्शन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का, हमारे नेता चंद्रशेखर राज जी के द्वारा यह आह्वान वाज पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन लग रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से सिर्फ एक आवाज उठाई जा रही है कि चल आरोपी को गिरफ्तार किए जाए। अगर उन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जा सकते हैं तो हम इस जिला मुजफ्फरनगर के अंदर अगला धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं, सी चौक पर करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रदर्शन, आपके जो लोग हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में घटना हुई है। जुनेद भाई और हमारे नासिर भाई, इनको वहां से उठाया गया और हरियाणा में लेकर उन्हें जलाया गया। उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन लगा जा रहे हैं। कल हमारा उत्तराखंड में है, तो इसी तारीख दी हुई है। हमारे रोज किसी न किसी प्रदेशों में ये ज्ञापन लगेंगे और आगे का कदम जो हाईकमान का आदेश होगा उसके बड़ा कदम उठाया जाएगा। जुनेद नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनके धरना प्रदर्शन कब तक और कैसे इस समय चलेंगे? देखिए, जो भी धरना प्रदर्शन, किसी पर जुल्म होगा, हमारे लिए कोई जाति बिरादरी का नहीं है। किसी गरीब के साथ, किसी पीड़ित साथ, किसी दलित के साथ या अन्य किसी वर्ग के साथ कोई भी जाति का कोई भी लोग अत्याचार करेंगे तो हम पीड़ित परिवार के साथ हर प्रकार से। अध्यक्ष जी, आप क्या चाहते हैं कि जितना जो आप जो है लेकर चले हैं भीम आर्मी के सैनिकों को, क्या चाहते हैं इसमें? हम तो चाहते हैं जुनेद के जो हत्या है नासिर भाई, जो नासिर और जुनेद भाई को हमारे उनके आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उन आरोपी को फांसी दी जाए, ऐसे कानून बनाया जाए। कौन सा कानून लिखा है कि गौकशी के नाम पर? चलो मान लो गौकशी कर भी ली, अगर गौकशी करी है तो उसका कौन है आरोपी? पुलिस प्रशासन है ना, सरकार है, सब लोग हैं, वे लोग गिरफ्तार करेंगे। वे कौन से, उन्हें कौन, किसने हक दिया कि उन लोगों ने पहले मारा पीटा फिर उन्हें जिंदा जला दिया गाड़ी में? उनकी इतनी कंकाल मिला रहा तंत्र, उनकी हड्डियां मिली है, उनकी हड्डियों से पहचान हो पाई है। यह भीम आर्मी में मेरे पीछे खड़े हैं भीम आर्मी के सैनिक, और इनका धरना प्रदर्शन आज मुजफ्फरनगर कचहरी में जो चलेगा।